तो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कि ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, और एग्जैक्टली मीन बाय द ऑक्साइड्स। ऑक्साइड ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड। कंपाउंड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 के बारे में। पहले 16 के बारे में, तो देखिए ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है EO2 टाइप, और सेकंड जो टाइप होता है वो EO3 टाइप होता है। ओके, अब आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये जनरल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का। ओके, तो E का मतलब क्या होता है बताइए, का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कौन कौन से हो सकते हैं भाई? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सल्फर, टेल्यूरियम। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। पोलोनियम को तो कंसिडर करना नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब फॉर्मूला बताइए क्या होगा ऑक्सीजन का। EO2 फॉर्मेट में अगर मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? O3। O3। वेरी गुड, इनकी जगह ओ रख दिया आप, और O2, O2 मतलब टोटल कितने हो जाएंगे हमारे तीन, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? O3। अब बताओ सल्फर का क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर? SO2। SO2। टू सेलेनियम का क्या बनेगा? SeO2। SeO2। वेरी गुड, और टेल्यूरियम का क्या बनेगा? TeO2। TeO2। ओके, अब हम इन सबके नाम भी लिख लेते हैं। जैसे ओटी का नाम क्या होता है? ओके, इसका नाम स्पेशल होता है, ध्यान में रखना है। SO2 का नाम क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का नाम क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। SeO2 का नाम क्या हो जाएगा? सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड। ओके, और TeO2 का नाम क्या हो जाएगा? सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गए हमारे TeO2 टाइप के ऑक्साइड्स। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के ऑक्साइड के, जिसको हमने नाम दिया EO3 टाइप ऑक्साइड। तो सर ऑक्सीजन जो है EO3 टाइप का ऑक्साइड तैयार करेगा क्या? जवाब बेटा बोलिए। सर जब वो हाइड्राइड्स थे तो जब हम हाइड्राइड्स को किसी एलिमेंट के साथ ये करते हैं तो मतलब H2 पहले लिखते हैं ना, तो फिर वो तो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए कौन सा एलिमेंट पहले लिखना है कौन सा एलिमेंट बाद में लिखना है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे तो आप लोगों को पता है हाइड्रोजन जो था वो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ओके, पता क्या? हाँ, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमेशा पहले लिखा जाता है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, या फिर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए उसको पहले लिखा जाता है, और जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको बाद में लिखा जाता है। जैसे कंसीडर कीजिए अगर आप लोगों ने हाइड्राइड ऑफ सोडियम बनाया, ओके, जैसे आप लोगों ने हाइड्राइड ऑफ सल्फर बनाया तो आप लोगों ने उसका फॉर्मूला क्या लिखा था? H2S लिखा था। बट अगर आप लोगों ने हाइड्राइड ऑफ सोडियम अगर आप लोग को बनाना होता था, ये हाइड्राइड ऑफ सल्फर था, ओके, लेकिन अगर मुझे हाइड्राइड ऑफ सोडियम अगर बनाना होता तो फिर उसका फॉर्मूला क्या बन जाता था? NaN। NaH2 लिखा जाता, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और H के ऊपर जो रहेगा वो निगेटिव चार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वो डिपेंड करता है
कि भाई चार्ज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स पर। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द सल्फर, सिलिजियम एंड टेल्यूरियम, इसीलिए उसको बाद में लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी बताइए। तो अभी EO3 टाइप के कंपाउंड बताएंगे। ऑक्सीजन जो रहेगा EO3 टाइप का कंपाउंड, क्या फॉर्मूला बनेगा? चलिए बताइए फटाफट। नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। ओके, हाँ, सल्फर जो रहेगा वो क्या बनाएगा? SO3 बनाएगा। सेलेनियम क्या बनाएगा? SO3। और Pe क्या बनाएगा? TeO3। बराबर है। अब इनके नाम बताइए, क्या होगा SO3 का नाम? बोलिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन ऑक्साइड है तो भाई ट्राइऑक्साइड। SO3 का नाम क्या होगा? सेलेनियम ट्राइऑक्साइड। सेलेनियम ट्राइऑक्साइड। और TeO3 का नाम क्या हो जाएगा? टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड। ओके, तो ये पहले नाम ध्यान में रख लो। अब ध्यान दीजिए, अब मेरा सवाल कि भाई EO3 टाइप का जो था कंपाउंड, ये ऑक्सीजन नहीं बना पाया बट बाकी सारे एलिमेंट्स बना पाए, क्यों? ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर आपने EO3 टाइप के कंपाउंड में, अगर ये जो एलिमेंट है ग्रुप सिक्सटीन, इनका अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना? हाँ सर। तो बताइए ना, टेल्यूरियम, सेलेनियम और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सल्फर का प्लस सिक्स। ओके, देन सेलेनियम का प्लस सिक्स, और टेल्यूरियम का प्लस सिक्स। बराबर है। तो आप लोगों को पता है सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाँ। ओके, क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वैलेंस वाला, जबकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल नहीं होता है। पहले ये दिमाग में डाल लो, ठीक है? देन अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इनमें एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वो ये है कि ये जो आप लोगों के ऑक्साइड्स से, ठीक है, स्पेसिफिकली सल्फर से लेकर आगे, ठीक है, फिर दोनों भी टाइप के क्यों ना हो, ये नेचर में एसिडिक होते हैं। ये नेचर में क्या होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। बराबर है, डन। तो जैसे अब सवाल ये आता है कि भाई ये एसिडिक क्यों होते हैं, तो वो एसिडिक इसीलिए होते हैं क्योंकि जब हम इन पर्टिकुलरली ऑक्साइड्स को रिएक्ट करेंगे विद वाटर के साथ में, तो ये एसिड तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके रिएक्शन देखते हैं। जैसे SO2, अब मैं जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ, चलो फिर कर लेते हैं ना, कभी के सभी SO2 प्लस H2O, अगर हम इनका रिएक्शन करते हैं तो आप लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पर एसिड लिखते टाइम पहले H लिख लेगा H2, देन अदर एलिमेंट लिख लेगा सल्फर और O, टोटल कितने O हो गए हमारे पास? तीन O हो गए। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, हाँ, अब बताओ SeO2 वाला रिएक्शन क्या बनेगा फिर? SeO2 प्लस H2O। SeO2 प्लस H2O H2SeO3। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? TeO2।
O2 plus H2O gives H2TO3. ओके, तो ये कंपाउंड बने। अब वैसे अगर हम EO3 टाइप के ऑक्साइड्स ले लेते हैं तो इनके भी सेम तरह के रिएक्शन आप बना सकते हो, कैसे बताइए? SO3 plus H2O gives to SO4 gives H2SO4. Very good. Next. SeO3 plus H2O gives H2SeO4. आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये देखिए सारे रिएक्शन लिख लिए। अब इन कंपाउंड्स के हम नाम भी लिखेंगे, ठीक है? ये सारे के सारे एसिड्स है। अब इन एसिड्स के नाम क्या होंगे? जैसे H2SO3, इस पर्टिकुलरली एसिड का नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम होता है इसका? सल्फ्यूरस एसिड। और ये वाला जो है H2SO4, इसका नाम तो पता ही होगा आपको, क्या नाम होता है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पता है ना नाम? हाँ सर। अब बताओ फिर H2SeO3 का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? सेलेनियस एसिड। वेरी गुड, इसका नाम हो जाएगा सेलेनियस एसिड। और ये वाले का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सेलेनिक एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं H2TO3 की। H2TO3 का जो नाम होगा वो क्या होगा? टेल्यूरस एसिड। और इसका जो नाम होगा वो रहेगा टेल्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप लोग यहां पर ध्यान में आ रहा होगा कि कभी अस लग रहा है तो कभी इक लग रहा है, बराबर है? तो अस और इक कब लगाना है ध्यान में रखेगा। अस और इक हम तब लगाएंगे जब ऑक्सीजन के ऊपर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होंगे तो आप अस लगाएंगे, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा होंगे तो आप क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, और इसमें भी एक खास बात होती है, ठीक है? खास बात क्या होती है ध्यान दीजिए। जैसे मैं कुछ और कंपाउंड लिख रहा हूँ, H2PO4, ठीक है, देन H2PO3, देन H2PO5 और H2PO2, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसमें फॉस्फरस किसको बोलेंगे आप, ठीक है? तो ध्यान में रखना, हमेशा ये वाली जो चीजें होती है PO3 और PO4, ये मेन चीज होती है। PO4 मतलब फॉस्फेट ग्रुप होता है और ये फॉस्फाइड ग्रुप होता है, इसको आप फॉस्फोरिक एसिड कहते हो। आपको एक इसको बोलना है तो इसको आप क्या बोलोगे? फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? फॉस्फरस एसिड। समझ में आ रहा है आपकी? समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए, फॉस्फरस एसिड से भी अगर एक ऑक्सीजन कम रहेगा ना, तब इसको हम हाइपो नाम दे देंगे, हाइपो फॉस्फरस एसिड ऐसा बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर फॉस्फरस एसिड से भी एक ऑक्सीजन कम होगा तब आप कौन सा प्रोड्यूस करेंगे? हाइपो।
और अगर फॉस्फोरिक एक से ज्यादा अगर एक ऑक्सीजन रहेंगे तो उसको फिर हम वर्ड लगाएंगे पर, इसको हम बोलेंगे पर फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ तो ये जो चीज होती है ना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है नाम लिखते टाइम, तो आपको sir, इसको ध्यान में रखना है ठीक है कि भाई अस कब लगाना है। हाइपो क्या रहता है? हाइपो, हाइपो मैंने अभी बताया ना, हाइपो का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, हाइपो का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है हाइपो का मीनिंग? कम। अरे कॉमन टर्मिनोलॉजी में हाइपो का मतलब क्या होता है? कम होता है, बराबर है। तो देखिए हम लोगों ने क्या बोला, अस और इक कब लगाएंगे? अस तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इक तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है। अब यहाँ पर क्या है, ये फॉस्फोरस एसिड है, सॉरी फॉस्फोरस एसिड है जो कम के लिए यूज करते हैं, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल गया, तो फॉस्फोरस एसिड है जो कि कम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो भाई इससे भी अगर कम रहेंगे तो हम हाइपो बोल देंगे ना उसको, हाइपोफॉस्फोरस। समझ में आ रहा है आपको? गुड। तो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17। तो इसके बारे में आप लोग को इतनी ही जानकारी लिखनी है ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 के बारे में ठीक है। तो देखिए ग्रुप 17 जो होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स को तैयार करता है ठीक है। तो इसीलिए इसके ऑक्साइड्स को जब आप लोग को पढ़ना रहेगा तो हर एक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ठीक है। मतलब ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, देन ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन एंड ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, इस तरह से आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा ठीक है। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 को हमने कॉमनली पढ़ा था, एक CO2 टाइप और दूसरा CO3 टाइप में, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 को आपको हर एक एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन की। ठीक है, तो जो फ्लोरीन होता है ये दो टाइप के ऑक्साइड्स तैयार करता है। आपको टाइप्स ध्यान में रखते हैं कितने टाइप्स के ऑक्साइड्स तैयार करता है, और वो जो होते हैं दो टाइप के ऑक्साइड, वो होता है एक OF2 और दूसरा होता है O2F2। ठीक है, एक कौन सा होता है OF2 और दूसरा होता है O2F2। ओके देन अब ध्यान में रखिएगा, इसमें से जो दोनों पर्टिकुलरली ऑक्साइड जो होते हैं, इसमें से खाली OF2 जो होता है वो थर्मली स्टेबल होता है। ठीक है, OF2 जो होता है वो कैसा होता है, थर्मली स्टेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पर सिर्फ OF2 पॉसिबल होता है। O2F2 जो होता है वो रूम टेम्परेचर बन नहीं सकता, या फिर ये रूम टेम्परेचर पर कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अरे हाँ या ना? ओके फाइन ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये ऑक्साइड जो है ग्रुप 17 को, इसको कौन कौन से पॉइंट वाइज आपको कंसीडर करना है। तो सबसे पहले इसके टाइप्स का पॉइंट ले लो, दूसरे इसके कुछ प्रॉपर्टीज अगर होंगी तो उसका पॉइंट ले लो, और तीसरा जो पॉइंट रहेगा इसके यूजेस का पॉइंट ले लो ठीक है। तो जैसे टाइप्स में आप लोगों ने लिखा है कि ये OF2 और O2F2 ऐसे दो टाइप्स का होता है, फिर आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में बोला कि OF2 जो होता है वो थर्मली स्टेबल होता है 298 केल्विन पर। अब हम बात करते हैं यूजेस की ठीक है। तो ये जो दोनों पर्टिकुलरली ऑक्साइड होते हैं फ्लोरिन के, ये एक्ट होते हैं एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या होगा बताइए, जैसे हम बोलते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, बराबर है। अच्छा मुझे बताओ दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है या दूसरों से ऑक्सीजन ले रहा है, दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, दे रहा है, मतलब वो खुद क्या कर रहा है ऑक्सीजन को,
लूज कर रहे हैं, लूज करेगा। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या करेंगे, दूसरों को फ्लोरीन देंगे और खुद फ्लोरीन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, क्या करेंगे, लूज करेंगे। बराबर है, समझ में आ रहा है। तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। देन नेक्स्ट इसका जो पर्टिकुलरली यूज दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन ऑफ प्लूटोनियम टू FeUF6। ओके, सेकंड इसका यूज दिया है कि ये ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। PuF6 का नाम क्या होगा, प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। अब प्लूटोनियम जो होता है आप लोगों को पता नहीं, काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बराबर है, देन प्लूटोनियम जो होता है ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और इसको हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल में, न्यूक्लियर फ्यूल में। ओके, आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ओके, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनके न्यूक्लियर रिएक्शंस किए जाते हैं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी ना होती रिलीज होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब। बराबर है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब भी क्या होता है, उसमें इसी न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज किया जाता है जिसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज होती है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो गधो। हाँ ठीक है, तो प्लूटोनियम जो होता है ये न्यूक्लियर फ्यूल में यूज किया जाता है, और जब ये न्यूक्लियर फ्यूल को हम यूज कर लेते हैं, ओके, तो यूज करने के बाद भी क्या हो जाता है, आफ्टर यूज इसमें जो बचा हुआ पार्ट रहता है, रिमेनिंग पार्ट, ओके, रिमेनिंग पार्ट जिसको मैं बोलता हूँ स्पेड, रिमेनिंग पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेड बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, रिमेनिंग पार्ट को ही मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्पेड। तो ये जो स्पेंट होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, इसके अंदर प्लूटोनियम हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, अरे होगा या नहीं होगा, हाँ हो सकता, होगा या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग को आवाज सुनाई नहीं दे रही या समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आपका आवाज और वीडियो अलग अलग जा रहा है, सर कुछ बोल रहे हो लोग, क्या हो रहा है, आवाज और मूवी अलग है, पिक्चर अलग अलग आ रही है क्या? हाँ सर। ओके, रिजॉइन हो जाना दोबारा।